आखिर WWE क्या चाहती है और वो किसे जिताना चाहती है, जेउसो या फिर रोमन को? और जो रोमन का टाइटल है वो किसके पास जाने वाला है? क्या सोलो सिकवा ही इस टाइटल का असली हकदार है? क्या जेउसो के हाथ कुछ भी नहीं लगने वाला? आखिर सोलो सिकवा के माइंड में क्या चल रहा है और कब वो रोमन को धोखा देगा? क्या रोमन इस बात से अनजान है कि जिसे वो अपना सबसे चहिता बताता है वही आगे जाकर उसकी हड्डियां तोड़ने वाला है? तो भाई मेरे जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं जेउसो की। तो WWE में जेउसो का करेक्टर अब कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है कि वो अकेला ही सभी पर भारी पड़ सकता है। और जब स्मैकडाउन में हमने देखा था कि जब रोमन और सोलो सिकवा ने मिलकर जिमी को टारगेट किया और उसकी जमकर पिटाई की थी, तो जिससे जिमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था, लेकिन तभी उसके बाद एक नया ट्विस्ट देखने को मिला था कि जेउसो पहले जिमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराकर आता है और फिर अचानक से जैसे उसके अंदर बाहुबली की आत्मा घुस जाती है और वो अकेला ही रोमन और सोलो सिकवा की जमकर धुलाई कर देता है, जिसे देखकर रोमन की भी फटने लगती है और वो रिंग में सोलो को अकेला ही पिटता हुआ छोड़कर भाग जाता है। और अब सभी को ऐसा लग रहा है कि जैसे समर स्लैम में रोमन वर्सेस जेउसो मैच में जेउसो की ही जीत होने वाली है। लेकिन भाई मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि इस मैच में सिर्फ और सिर्फ रोमन की ही जीत होने वाली है और ये मैच जेउसो अपने ही भाई जिमी की वजह से हारेगा। और भाई उसके बाद होगा WWE का असली खेल शुरू और ठीक उसी के बाद से ही सोलो सिकवा भी रोमन को दगा देगा और ब्लड लाइन के सभी मेंबर एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, जिसके बाद ये सभी सिंगल रेसलर बन जाएंगे और उसी के बाद से ही आपको WWE का असली धमाका देखने को मिलेगा। तो भाई अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आप ब्लड लाइन को टूटता हुआ देखना चाहेंगे या फिर नहीं, मुझे कमेंट करके बताना भाई। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।